हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो एमपीपीएससी के द्वारा विज्ञप्ति देखिए जारी की गई एक सूचना, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और उसके साथ ही साथ इससे पहले न्यूज़पेपर में क्या चल रहा था, उसके बाद एमपीपीएससी ने ये सूचना जारी करी है, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा। फिर इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा क्या आज 2019 का जो मेंस की एग्जाम थी वो इस साल होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज के जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले विज्ञप्ति जारी करी थी पीएससी ने, कब जारी करी है, 23 तारीख को जारी करी है, ठीक है, 23 जुलाई 2020 को जारी करी है। अब देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक बार, देखिए राज्य सेवा परीक्षा एवं आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से एवं COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 की आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। देखिए जो एग्जाम उनका कैलेंडर पीएससी ने लगभग जो दिसंबर के आसपास उसने जारी किया था, नवंबर दिसंबर में, उसको इन्होंने क्या करा, स्थगित कर दिया है। तो इसके क्या मायने, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए अब कैलेंडर को स्थगित करने से क्या होगा, देखिए यहाँ नीचे लिखा ही है उन्होंने क्या लिखा है कि यथाशीघ्र, मतलब जल्द से जल्द हम नया कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर जारी करने का फायदा क्या होगा, आपको सबसे पहले उस कैलेंडर में आपको क्लियरली वो मेंशन कर देंगे कि आपकी एमपीपीएससी मेंस 2019 किस कौन से मंथ में होगी, वो यहाँ पर बता देंगे। तो इससे आपके एक जो दिमाग पर प्रेशर होता था कि यार एग्जाम कब होगी या नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं यार मैं आज धीरे स्पीड में पढ़ूँ, आपने प्लान बना लिया लंबा 5 4 1 महीने का, और आपको लगे यार बीच में एग्जाम होगी तो मैं कैसे एकदम से इतना बड़ा सिलेबस को कवर कर पाऊंगा। तो यहाँ ये सबसे बड़ा फायदा आपको कि वहां पर आपको एक मंथ मिल जाएगा कि इस मंथ में आपकी एमपीपीएससी मेंस 2019 होगी। तो आप बकायदा तब तक अपना एक प्रॉपर एक प्लान बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपको पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट आपको ये है कि वो बता देंगे कि एमपीपीएससी जो प्री है 2020 की वो कौन से मंथ में होगी, तो ये आपको बेनिफिट है। फिर वो ये भी बता देंगे कि एमपीपीएससी मेंस 19 का इंटरव्यू कब लेंगे वो, फिर आपको ये भी बता देंगे कि 20 की जो है मेंस वो भी उसमें आपको मंथ बता देंगे। उसके बाद वो आपको लगभग 21 का भी देखिए चालू हो जाएगा नया साल जैसे, तो वो भी उसमें वो क्लियर बता देंगे कि अब इसकी प्री कब लेंगे। तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा पूरा लगभग 1 सवा साल का कि भैया कब कौन कौन सी एग्जाम है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरी इतने दिन में एग्जाम है, तो हमें एक आप प्लान बना के उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करेंगे, तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपका माइंड सेट अच्छे से हो जाएगा और आपका अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा। अब बात करते हैं जो न्यूज पेपर में चल रहा था, ठीक है। देखिए न्यूज पेपर में क्या चल रहा था इस पर बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि देखिए दैनिक भास्कर ने ये जारी करा था, उसके मतलब न्यूज में छपा था, उसकी उसी शाम को पीएससी जारी कर देता है कि भैया जो उसका कैलेंडर है वो स्थगित किया जाता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पेपर में आया थोड़े मतलब न्यूज में छपा, उसके बाद क्या हुआ पीएससी में हुई हलचल, और उसके कारण क्या करा उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया कि भैया जो भी कैलेंडर था हम उसको स्थगित कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको फिर इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेंस 19 कब तक होगा। तो चलिए देखते हैं, हम पहले एक बार न्यूज को रीड कर लेते हैं। कोरोना इफेक्ट, पिछला शेड्यूल सरकार बदलने के कारण हो गया था लेट, ये जो स्थिति बन रही कैसी बन रही है, 2013 जैसे हालात बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, कोरोना के कारण अटक गई पीएससी की परीक्षाएं, अगले साल की परीक्षाएं भी नहीं हो पाएंगी समय पर। चलिए बात करते हैं, कोरोना संकट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के परीक्षा शेड्यूल को पूरी तरह गड़बड़ा दिया है। पीएससी में 2013-14 के समय जैसे हालात बन गए हैं, जब परीक्षा शेड्यूल 2 साल तक पिछड़ गया था, 2016 के बाद उसमें सुधार हुआ और 18 में वह दोबारा पटरी पर आ गया था। इस बार कोरोना संकट के कारण कई अहम परीक्षाएं अटक गई है, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 की ही 10 से ज्यादा परीक्षाएं अटकी हुई हैं, जबकि इससे ज्यादा परीक्षाएं 2020 की भी हैं और 2021 की परीक्षाओं का भी शेड्यूल गड़बड़ा गया। मतलब 19-20-21 3 साल का शेड्यूल लगभग गड़बड़ा गया। पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा अटक गई है, 12 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। परीक्षा का रिजल्ट तो देखिए रिजल्ट क्या, उन्होंने स्कोर कार्ड जारी कर दिया, लेकिन मेरिट अटकी हुई है। शेड्यूल के अनुसार जुलाई में मुख्य परीक्षा भी अभी तक हो जाना थी, परंतु जुलाई अंत तक रिजल्ट और सितंबर में इंटरव्यू होना थे, लेकिन अब इस साल मुख्य परीक्षा भी फिलहाल मुश्किल लग रही है। देखिए क्या दिया, देखिए क्या लिख रहा है पेपर में कि इस साल भी मुख्य परीक्षा
फिलहाल क्या लग रहा है, मुश्किल लग रही है। देखिए यहाँ पर न्यूज़ में दिया हुआ कि भैया इस साल परीक्षा क्या लग रही है आपको, उन्होंने कहना है पेपर में कि मुश्किल है। और ये उन्होंने बकायदा ये न्यूज़ में आया था उसी के मतलब शाम को ही पीएससी जारी कर देता है कि इस बार का कैलेंडर स्थगित कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं न्यूज छपी उसका क्या प्रभाव पड़ा। और अब नया कैलेंडर आने से आपका यही जो लिखा है जैसे कि भैया इस साल एमएस होगा या नहीं होगा, तो बकायदा पीएससी कैलेंडर जारी कर देगा और उसमें वो बता देगा कि इस साल वो लेगा या नहीं लेगा। तो यार काफी अच्छी खबर है। पीएससी 2020 की भी जुलाई में होना थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। चलिए अब राज्य सेवा परीक्षा 11 माह देरी से हुई है, मेरिट नहीं आई है। इस वर्ष विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कुल 17 परीक्षाएं आयोजित की जाना थी। 2019 की राज्य सेवा परीक्षा कायदे से फरवरी 18 में होना थी लेकिन चुनाव व अन्य कारणों की वजह से 11 माह देरी से इस साल हुई। इसका रिजल्ट आया लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं है, वही इसका स्कोर कार्ड आया और मेरिट लिस्ट नहीं आई। 2019 की बची हुई सारी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुसार 2020 में कराई जाना थी ताकि 2021 में कोई पेंडिंग ना रहे। देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या कह रही है कि भैया जो 2019 की पेंडिंग थी वो 2020 में आयोग पूरी तरह खत्म करना चाह रहा था। लेकिन दो कारण थे, क्या थे, एक तो कोविड-19 और दूसरा था आरक्षण। इन दोनों ही मुद्दों के कारण क्या हुआ, 19 की भी परीक्षा नहीं हो पाई है, 2020 की भी नहीं हो पाई है और उसके कारण क्या हुआ 2021 का भी शेड्यूल गड़बड़ा गया है। आप समझ रहे हैं 3 सालों पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका। अब 11 परीक्षा इस साल होना थी पर नहीं हुई, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं, राज्य वन सेवा परीक्षा 2020, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2020 भी होना थी, मेडिकल ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा भी अप्रैल में होना थी, खनिज अधिकारी वैज्ञानिक अधिकारी सहित 2020 की 11 परीक्षाएं होना थी। पिछले साल की राज्य वन सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा सहायक संचालक किसान कल्याण कृषि विस्तार एवं सहायक संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास सांख्यिकी परीक्षा भी मई में होना थी जो नहीं हो पाई है। चलिए अब 2012-13 में क्या स्थिति हुई थी, देखिए ये इसे भी देखते हैं हम। 2012-13 में गड़बड़ाया शेड्यूल 2017 में सुधरा था। 2012 में राज्य सेवा परीक्षा का पर्चा आउट होने और बाजार में बेचे जाने और 2013 की परीक्षा का भी पर्चा आउट होने के कारण परीक्षा ही निरस्त कर दी गई थी, जिसके कारण 2013-14-15-16 में पूरा शेड्यूल गड़बड़ रहा। लेकिन जब मनोहर दुबे सचिव बने, देखिए कौन से सचिव थे, मनोहर दुबे जो सचिव बने, उन्होंने क्या करा, सारी पेंडिंग परीक्षाएं करवा दी थी और 2017 में सभी परीक्षाओं का शेड्यूल सुधरा था। तो एक न्यूज समझ में आई आपको कि ये पहले न्यूज में छपा था, उसके बाद शाम को ही पीएससी जारी करता है कि भैया जो 2018 कैलेंडर है उसे वो स्थगित कर रहा है, जल्द ही कहता था कि नया कैलेंडर जारी करेगा। अब इसके अंदर देखिए पेपर क्या लिख रहा है कि इस साल मुख्य परीक्षा मुश्किल लग रही है। तो अब हम भी इसी मतलब डाउट में कि क्या इस साल आप जो भी स्टूडेंट है वो डाउट में कि इस साल एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो देखिए कैलेंडर स्थगित हो जाने से क्या होगा, नया कैलेंडर आएगा उसमें आपको टाइम शेड्यूल मेंशन कर दिया जाएगा कि कब आपका 19 का मेंस है, कब 20 की प्री है, कब 20 का मेंस है। तो ये आपको इससे मतलब एक अच्छी खबर है कि अब आपको ये पता चल जाएगा। अब आज ही देख लेते हैं कि आज की न्यूज में क्या छपा है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए एमपी ने पीएससी की सभी परीक्षाएं स्थगित थी, ठीक है। ये जो न्यूज थी देखिए, कोरोना संकट के चलते एमपी पीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। पीएससी की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 से बदलते हालात और कोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण मामला, ठीक है, के चलते परीक्षा कैलेंडर निरस्त किया गया, नया कैलेंडर बाद में जारी होगा। मतलब वो यथाशीघ्र लिखा था उसमें, देखिए हमने पढ़ा है विज्ञप्ति को सूचना को। 2020 के अलावा पीएससी के साथ 2019 की 10 से ज्यादा परीक्षा इस साल होना थी, अब ये परीक्षा भी नहीं हो पाएंगी। इसमें से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020, वन सेवा 2020, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2020, मेडिकल ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा, खनिज अधिकारी वैज्ञानिक अधिकारी सहित 2020 की कुल 11 परीक्षाएं शामिल है। देखिए 2019 की कितनी 10 से ज्यादा पेंडिंग एग्जाम है, 2019 की बात कर लें, 2020 में आप देखेंगे तो 11 से ज्यादा कुल परीक्षा उनके कैलेंडर में थी। वहीं पिछले साल राजवन सेवा मुख्य परीक्षा, सहायक संचालक किसान कल्याण कृषि विस्तार और सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास सांख्यिकी परीक्षा भी इसी साल होना थी जो नहीं हो पाई है। चलिए अब एनआईटी में एडमिशन के लिए जेईई मेंस के साथ 12वीं में होना होगा पर्याप्त। तो ये न्यूज है तो मैंने आपको बता दिया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपको कितना बड़ा बेनिफिट है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि देखिए ये कैलेंडर आगे मतलब आपको नया कैलेंडर जारी होना आपके लिए अच्छी खबर है ताकि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ पाए। जैसे नया कैलेंडर आएगा उस मंथ क्लियर मेंशन कर देंगे वो कि कब आपका 19 का मेंस और कब 20 का प्री है, तो वो भी आपको एक आपकी जो प्लानिंग जो स्ट्रेटजी है वो उसके अकॉर्डिंग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो ठीक है आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो और साथ ही साथ वीडियो को जरूर शेयर करो। कुछ भी आपका डाउट हो कमेंट हो तो आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं कोई भी डाउट, या आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8962429653। तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर उसे शेयर करें।
विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।